ओले बरसा हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सुजी सोता के साथ में। तो कैसे हो गाइस, आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो चलिए करते हैं न्यू ब्लॉग स्टार्ट। आज का ब्लॉग इस तरीके का है कि बिट्टो की आने वाली है बारात। आपने पुराना ब्लॉग तो देख लिया होगा गाइस, हल्दी मेहंदी का सब कुछ तो देख ही लिया होगा। अब क्या आपको देखना है, शादी का। तो मामा तो आ जाएंगे। चलो तो बिट्टू का होने वाला है मेकअप, तो आपको पूरा मेकअप करके दिखाऊंगी। अभी मैंने इसको लेंस लगा दिए, इसकी आंख कितनी खूबसूरत दिख रही है। चलो फुल मेकअप करते हैं मामा की। अभी मामा ने अभी नहाया नहीं है, लेकिन अभी नहा लेंगे वो, जब तक मैं बिट्टू को रेडी करूंगी। 5 बजे, 5 से ज्यादा हो गए, टाइम तो लगेगा मेकअप करने। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम आ चुके हैं नाना के घर पे, वहाँ पे हम रेडी करते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा पब्लिक थी बिट्टू के घर पे, तो हम यहाँ आए हैं रेडी करने के लिए। ठीक है, कैसा मेकअप चाहिए? लाइट। हाँ, मतलब ऊपर नहीं देखना चाहिए, लाइट मेकअप चाहिए। और कुछ? बस लाइट ना। हाँ। और कुछ आई मेकअप ऐसा वैसा कुछ नहीं। शादी एक बार हो तो सोच ले एक बार ही, लाइट मेकअप हैवी मेकअप जो भी बोलना एक बार। नहीं, लाइट मतलब ओवर नहीं देखना चाहिए, ओवर नहीं चाहिए, देखना चाहिए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बनाएंगे, ठीक है, ओवर ब्यूटीफुल। तो आपको लुक रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। देखो बिल्कुल तैयार हो चुकी है अभी श्वेता, बिल्कुल गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ। मुझे बहुत टाइम लगा है, रेडी हो चुकी हूँ। ये भी सुंदर लग रही है, मुझे पता कितना टाइम लगा है। मैं बहुत जल्दी रेडी हुई हूँ, बाकी मैं बिट्टू को रेडी करती हूँ। बारात भी आ गई है गाइस, तो अभी हम जाने वाले बारात लेने के लिए। और बताना कैसे लग रहा है? सेम सेम बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, कोई बोलता सेम सेम लग रहा है, पर लुक ही चेंज किया है। अच्छी लग रही हूँ, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, सही में मतलब क्या बताएं, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है आज, कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ, सबसे बेस्ट लग रहे हो आप। हाँ। दूसरे नंबर सुषमा दीदी भी अच्छी लग रही है, इसको भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, उन्होंने मेहनत करी अपनी ड्रेस के ऊपर। अरे तो यहाँ पे अपन नहीं खड़े बनाने चले, चुकी है गाइस। अब होगा यहाँ पे चावल फेंकेगी दुल्हन। तो अभी तो देखो हमने कुछ खाया नहीं, पार्टी में गए थे, बारात लेके आ गए, कुछ खाया नहीं, अब खाएंगे। देखो पहले यहाँ सारा फंक्शन हो जाए, फिर जाते हैं। एक नंबर अच्छा लग रही है मैं, लहंगा अच्छा, लहंगा नहीं खुद अच्छी लग रही है ना, लहंगा नहीं। हाँ पकड़ ले जो एक झाना बैठ गए और बाकी सब देखे स्माइल कैसा फील हो रहा, डर लग रहा, कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ देख एक सेकंड, सामने देखिए।
डेढ़ बजे खाना खा रहे हैं हम रात के। गाइस हम जा रहे हैं बिट्टो का फोटो शूट कराने के लिए, वहाँ जहाँ फोटोग्राफर बोलेगा वहाँ जाना पड़ेगा भाई। अच्छी एल्बम चाहिए तो फिर फोटो। मेरे बिट्टो कितनी प्यारी लग रही है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसी लग रही है। ठीक है, हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये चालू उले परसा इधर देखना। नहीं वो सही है, नेचर फोटो ही चाहिए। कर लो आप, खोल देख लिए, अलग कर लो आप। अंदर मांग से सिंदूर की रहे न कोई दूरी, सात फेरों के सातों वचन प्यारी दुल्हनिया। रुकना नहीं, चलते जाओ, फोटो क्लिक करते जाओ। भैया इस आटे को टिकटॉक बन रहा है। टिकटॉक तो बैन हो गया है, हम देखा था ना, स्टेटस लगाते हैं। हाँ लास्ट पोज ले लो। इस आटे वो जब पहना जूं तो पहना फटाक से आ जाओ, इस आटे आओ फटाक से। रुक जाओ, बस पल। ये पहली बार फोटो खिलेगा, पहली बार कभी नहीं करेगा। बिट्टो की विदाई हो गई, रेडी हो रही है बिट्टो की विदाई हो गई। निशो ने जूते छुपाए, देखते हैं कितने उनको नैंग मिलता है। निशो को कितना कितने ज्यादा कुछ नहीं, 5-10 हजार बताओ। कैसे हारे हो तो हम अब वही कसर निकालेंगे। कौन सी कसर चाहेंगे? हाँ इसमें भैया का कोई काम नहीं, हम उस टाइम पे नहीं आए थे। बाबूजी आपको दिया नहीं जा रहा है, ज्यादा कुछ नहीं मांगे, बस इतने ही तो मांगे। चाचा का प्रॉपर्टी पूरी कह रहे हैं, तुम क्यों इतना दे रहे हैं? प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही,
देखा तो लगे अब दे में अच्छा लग रहा है इतना बताओ हमारी मात्र एक बहन है बस हां ठीक है हां बस सही बात है और जी सब लड़के भी लेने ले ले इतनी ज्यादा बहस हो रही है चूड़ा फोड़ के सीधे चले जाना बोल देना अपने गाड़ी में बैठा आक्रमण हाँ फोड़ो देखते हैं एक ही बार फूटना चाहिए एक ही बार में रो गए ना थोड़ा सा रो लेना यार दीदी वो आता ही नहीं है अंदर ही अंदर रो थे बस अंदर ही अंदर रोना आएगा ना रो गए ना तुम रो गए क्या तुम रो ना अच्छा तो गाना गा ले सुमरन लगी लगा फिर नींद आ रही मुझे रात भर जगी हूं मैं घर बाबुल के किसी और की अमानत है रब ने बनाया के हो जे हद दस्तूर वे जिन्ना जंगल गलियां चौबारा छोड़ के आखी सखियां बचपन का ये अंगना नहीं रोना अब लेना है टाइम नहीं है यार हम लोग के पास अरे 11000 सबसे सही है 11000 निपटा दो रात में कितने थे इतना तो नहीं है रात में कितने थे रात में दूल्हा करवाई कितने मिले थे वो भैया आपसे बातचीत नहीं आप बैठे सही बात है यार विदाई हो चुकी है हम लोग घर आ गए हैं चली गई बिट्टो अपने घर चली गई है अपने घर अब इस वीडियो को पसंद करो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और हम आ चुके घर अब हम भी लिख लेंगे घर अपने अब हमको घर जाना अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए गाइस बाय बाय टेक केयर